सत्संगति मदि मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन सूला सबे सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर सुमन कलेसा। अभी सत्संग के अंदर विशेष बात इस कलयुग में है, जैसे पहले आइए ध्यान प्रथम युग मुख्य युग दूजे द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे कली केवल एक नाव आधारा श्रुति समृति संतमत सारा। संतों ने कह दिया संतमत सारा और बाकी पहले ऋषियों ने कह दिया वेदमत सारा। ये सार चीज़ क्या है? सत्संग है। तो अभी सत्संग के लिए शुरू स्टेजेज हैं इसके। अभी नाम 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 आदमी करता है, सब आदमी नाम ले लिया नाम ले लिया नाम ले लिया नाम ले लिया वो कि वर्ण का नाम जो महाराज जी ने किया जो अपना पंथ बढ़ा रखा अलग टोड़ा वो नाम दे दिया कि यही नाम बस इस नाम से लाओ कुछ। राधा स्वामी कह दिया, रामानंद राम कह दिया, निरंकारियों निरंकार कह दिया और क्या कहते हैं अकालियों अकाल कह दिया। मतलब ये है कि उसके हज़ारों नाम काट दिए और उसका कोई नाम नहीं है। तो वो तत्व है क्या जिसकी चर्चा करते हैं? कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार, जो कोई सुन रहे नाम नित व्याप्य नहीं संसार। इस शब्द में एक शब्द है कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार है, जो कोई सुन रहे नाम नित व्याप्य नहीं संसार। संसार का मतलब इस संसार में रहते हुए किसी तरह की चिंता फिक्र गम भय वगैरह नहीं रहता, क्षमता बनी रहती है। और समझ लिया उसने कि जो होना होता है सब खेल, ये सबका सब परमात्मा का खेल है, या वो खुद खिला रहा है या खुद मनुष्य की सूरत खेल रही है। अगर ये कह दो परमात्मा खुद खेल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, और ये कह देते हो परमात्मा खिला रहा है तो वही बात है, लेकिन उसके सिवा कोई काम नहीं है। तो वो नाम है क्या उसके बारे में बहुत कुछ बताया। तो शुरू से विवेको चलते कहते नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल चरण कर्ण से ध्यान सुमन चित्त व्याप्य काल, कोई बात है यहाँ। अब नाम की बेस में है क्या, नाम है कहाँ? तो दे दिया राम नाम दे दिया राधा दे दिया बस वो जपते रहो, ठीक है। ये किसी हद तक संतों ने इस युग में ठीक बताया है, दिल के बहलाने को गालब ख्याल अच्छा है, लेकिन ये बात को जानना क्या है? जानना ये है कि नाम है कहाँ। तो उसी बताया नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। चौथा पद क्या है? ये शरीर है, इसके चार भाग बना। जैसे पहले भाग के अंदर जो आते हैं तो क्या है? शरीर है, और ये आपके आँखों से नीचे तक ही आँखों की भूमि मिलती है जहाँ टीका करते हैं हिंदू स्त्रियाँ, यहाँ तक का जो शरीर का काम सब अक्सर। तो शरीर के पांच तत्व से बना हुआ है, ये करता है सब कुछ, लेकिन ये चलाने के लिए क्या है वो एक खास चीज़ है, वो नाम। इसको शरीर को चलाने के लिए, इसे काम करने के लिए जो एक्टिंग करता है, जो सोचता है, ये करता है, वो करता है, जो कुछ ये करता है हरकत अच्छी बुरी जैसी भी, वो सब के सब उस नाम के सहारे से। तो नाम क्या है? ऑर्गन नहीं कोई भी पहचाने जाए, या कोई नाम भी नहीं उसका, वो एक होश कह दो तो ज़्यादा बेहतर है, या चेतनता कह दो, होश कह दो चेतनता। संतुलन समझाने के लिए इसका नाम श्रुत रखा है, इस चीज़ का नाम श्रुत रखा। क्या श्रुत जब तक शरीर में नहीं है तो कुछ नहीं, तो शरीर में आती है तो शरीर में शरीर काम करेगा। तो इस नाम को प्राप्त करने के लिए, नाम के लिए क्या नाम रहे चौथे पद में, चौथा पद है शरीर से निकालो इसको, इन शरीर के मुख दुख सुख शरीर में जो व्याप्ते हैं तो उसको जब खींच लोगे तो जो चेतनता है वो खींच करके आपके इधर आ जाएगा, वो नाम जो कहते हैं उसका असर पाथ शुरू के अंदर। तो यहाँ रूप प्रकट हो जाएगा, रूप रंग रेखा जैसे गुरु का रूप है, ये रूप है, वो रूप है, यानी जितनी शक्लें सूरतें बढ़ती हैं वो सब किस्म यहाँ आ जाती है, उसको भाषा अलग अलग। वो टिकता नहीं तो उसको टिकाने के लिए बात आगे समझी जाती है, और टिकाने का नाम ध्यान है। सूरत को टिकाने का नाम ध्यान है। ध्यान का क्या, जो बच्चे कल मिसाल उदाहरण दे रहे थे ना कि वो ऐसे करता है, वो बैठे बैठे पता ही ध्यान नहीं है उसका, तो ध्यान बनता उसका। अब ये प्राकृतिक पूरे उनके संस्कार है उसके। अब वो काम यह है कि माँ बाप चिंतित होते हैं, संतोष कल दुखी हो रही है, बोली जी आँखों में यह सर पड़ेगा जी, इसका ये होगा जी, उसका ये होगा जी, उसका ये होगा। और इस अवस्था के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े साधन करते हैं, तब व्यवस्था बनती है, उसकी कुदरती बनी हुई। कोई आदमी गाड़ी का ट्रेवल है तो बहुत फर्स्ट क्लास से उसे ध्यान मिलेगा, लेकिन मतलब वो सब खेल उसका है, नाव का। वो एक जगह टिक जाता है, कमाल करता है,
वो जहाज को ये उड़ा देता है, समुद्र को ताइया लगाता है, सब जगह टिक जाती है। वह चीज़ एक जगह रुक जाए तो फिर एकदम इसे शरीर से नहीं, शरीर में रहेगी तो शरीर सब फंक्शन करेगा, और जैसे वो मन के अंदर आ जाएगा तो रूप रंग रेखा बनाएगी, जो जो विचार करता है, जो कुछ करता है उसके सामने आता रहता है शक्लें बड़ा बना के। लेकिन अभी इसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला ये जो नाम है वो है, वो जो नाम की चर्चा कर रहे हैं वो बना रहे हैं शक्ल चरित्र की, वो बना लेता है। जैसे संस्कार पड़े हुए उसके अंदर दिमाग पर, उसके माइंड पर, सब कॉन्शियस माइंड पर, उसी तरह के डेवलप के सामने आ जाते हैं उसमें, तो वो देखता रहता है। फिर उसका अनुभवी जो गुरु, गुरु का नाम ज्ञान से है, अब इस सब्जेक्ट का जो अनुभवी है और उसके अच्छी इच्छा तो उसको अच्छा वही मिल जाएगा, और नहीं है तो जो पैसे का लेने कोई वैसे मिल जाएगा। मतलब उसके विचारों के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके संस्कार के अनुसार उसको गुरु मिल जाता है। तो वो अगर भेदी होगा फिर वो कहेगा क्या करे, इतनी देर हो गया ये है, मैं ये देखता हूँ, यहाँ जिधर से निकल रहा था उधर से नहीं रही, तो वो कहता है ये तू बुलाता है, कहता गुरु जी साथ रहते हैं सब बोले बहुत अच्छा है, लेकिन तू बुलाता है तेरे में हो सकते, और बाहर से कुछ आता है, बाहर से ना राम आता ना देवी, जैसे मैं कहता हूँ सत्संग में मैं नहीं जाता तो मैं कैसे मानूँ कोई आता है। अब जिसको सारा दिन जो गुरु गर्व बनता वो मानता है महाराज जी आते हैं, वैसे राम आता है, राम का भगत हूँ, देवी मैया आती है मेरे को, वो अज्ञान है आदमी को। और इस अज्ञान में दुनिया तकरीबन मोस्टली पूरी विश्व की दुनिया, एक अपने हिंदुस्तान की नहीं, सब दुनिया पूरी इस ब्रह्म में, इसका ज्ञान नहीं। तो इसका ज्ञान देता वो गुरु, वो जो अनुभवी है वो ज्ञान देता कि ये तुम रहता भाई, बाहर से कुछ नहीं आती, तो तुम तू तो तेरा बनाया था, मैं बनाता हूँ, तो फिर आगे चल इसे, इसे तो आगे चलो। तब मन के मंडल बहुत लंबा है, इसको रामायण में कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाही सो माया कर जानो भाई, कहता जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाता जो कुछ देखता उसे माया है, वास्तव है नहीं, वो सिद्धि तो है उसमें, जो मन इकट्ठा हो गया सिद्धि है उसमें भी, ये बात नहीं, रूप बनता है सिद्धि है, उसको आनंद बढ़ाता है, तरफता उसके लिए, उसको देखने के लिए। जब मेरा रूप प्रकट हो जाता मैं उदाहरण देता हूँ, एक लेडी के वह भाजी आती घर में रहती है, मैं इधर रहूँगी आपके पास ही रहूँगी, वो भी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अब बोलो, अब जो जो आदमी होगा उसको कैसे बर्दाश्त करेगा, अभी तो कहाँ जाए कि कहाँ जाती है, मेरी सेवा कौन करेगा। अब वो इसका शर्म शंका ख़त्म, वो कहते हैं मैं इधर रहूँगी आपके पास रहे, अब मेरे पास रहेंगे ये करेंगे, ये अटैचमेंट हो जाता है, ये अज्ञान का है। अब इस अज्ञान को तोड़ने वाला गुरु होगा कि वो मैं नहीं हूँ, वो तू ही हबड़ाती है। जब यह बात समझेगी तो उसको छोड़ेगी, इसको छोड़ने के बाद फिर ऊपर का जो लोग इसके बाद में ये बात है कि बीच से ऊपर है तो यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा। वैसे प्रकाश का जोन है बहुत लंबा छोड़ा, बहुत लंबी छोड़ी दुनिया, इसको सतलोक कह दो, कुछ को जो टिकाऊ है, टिकाऊ की चीज़ है, सतलोक नाम कह देते हैं, कोई हवन कह देता कुछ, उसका नाम अलग अलग काल रखे हुए। तो उसके अंदर क्या है कि सूक्ष्म तरीके से प्रकाश है, वहाँ पर प्रकाश के शौर कुछ नहीं, जिसको काल कहते हैं, जिसको क्रिएटर कह दो, जिसको जीव कह दो, जिसका ऊपरी जो सब कुछ बढ़ाता है ये लोग, वो प्रकाश आ जाता है। तो प्रकाश सफ़ेद रंग के प्रकाश में वो जब चला जाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, उस आनंद का वर्णन नहीं है, इसका वर्णन करता है अच्छा नहीं है मैं कहूँगा, पर मैं बता देता हूँ आपको। एक डेढ़ मिनट का शुरू शुरू से जो कामुकता में आनंद आता है आदमी को, जैसे भूल जाता है वो एक डेढ़ मिनट, वो इतना ज़्यादा भूल जाता है उसको सब शरीर रखते हुए, और वो उस आनंद के लिए आदमी देखो क्या क्या करता है, एक डेढ़ मिनट के आनंद के लिए, फिर बाद में कोयला दाली में काले हाथ मुँह फीका हो जाता है, जो शक्ति निकल जाती है। तो वो जो चीज़ प्रकाश है वो आनंद का चीज़ है, सब चीज़ आनंद उसके वजह से है, खाने में पीने में पहनने में, और जो होते आपके बाहर के आनंद मिलते हैं वो सब उससे मिलते हैं, वो प्रकाश जो है इसको आत्मपद कहते हैं। तो वो आत्मपद आगे भी एक लोक जोन है बहुत लंबा थोड़ा, बाहर भी और अंदर भी आपके अंदर, क्योंकि जो पिंडे सब ब्रह्मांडे जो ऊपर है वो सब का सब आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर, और मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं, सुनता तो इसका यकीन नहीं आता। तो वो जो प्रकाश है उसमें जाता है और उसका आनंद देता है। अब प्रकाश के आनंद को भी जब देखता है इसका पक गया है, प्रकाश में ठहर लग गया है और मस्त हो गया है, तो अनुभवी जो गुरु है वो जब देखता उचित समय आता है, अब पता नहीं पहले जन्म आओ दूसरे में इसका मैं कोई काउंट नहीं कराया, क्यों तो मेरा कोई जन्म की बात में तो इसी जन्म अनुभव कर लिया, बात का समझ आ गई मेरे। तो वो जो प्रकाश है उसको जो देखता उसको जो अनुभवी गुरु छुड़ाता है, कोई बड़ा ब्रह्मचारी है वैसे, बस ब्रह्मचारी से क्या कर रहे हो, बोले बस पूछो सर आनंद रहते हैं, शांति की बात है। अरे बोले भले आदमी ये तो तू यहाँ तो आनंद ले रहे हैं, इधर तू ही अनुभव कर रहा है इसका,
जो तेरे के अंदर तेरा निज रूप है ना वही कर रहा है, वो उसे वही प्रकट कर देता है, वही खेल वो प्रगा सब ये तेरे में वो तत्व जो उधर ऊपर है वो पिंडे सब पंडित तेरे अंदर है तो इसके अंदर उड़ जा रहेगा, अन्न उड़ जा रहेगा तो घर से दूर है यहाँ से। जैसे आदमी को गया खेल के अंदर, खेल में या बाजार में देख के चला गया, आगे जाना था तो नहीं गया वो, तो उसको चेताता है बार का वो कहाँ ब्रह्मचारी को, योगी को जो प्रकाश में रहता है उसको, शुद्ध है जो जो दुनिया में घूमती है उसको चेताता है अनुभवी गुरु। उसके सिंह पूछ नहीं होते, न कोई शुद्ध होगा न कोई लंबी की बात होगी, ऐसा आदमी होगा जो अनुभवी वो पहचानता नहीं कोई, और पहचाने क्या वो समझेगा नहीं कोई, ये साल तो रहता है क्या बताए किसको बताए, तो उसको वो छुड़ाता है। तीसरा पद छुड़ाने के लिए क्या है, बाहर का गुरु है सत्संग करते रहो, मैं प्रकाश में देखो बहुत अच्छा, देखते रहो बहुत अच्छा है, अन्न देते रहो फिर मरोगे उसी प्रकाश पर जाओ, उसी में रहोगे उसी में खेलते रहो, सत्संग खेलता है बोलो, निज घर आगे है जो जिसके तुम अंश हो उसमें नहीं मिले होगी। तो उसको मिलाने के लिए जो बाहर का गुरु है वो सत्संग देता है, उसको छुड़ा के ऊपर का आगे रास्ता बताता है कि ये तो खेल है यार, खेल में उड़ गया तू, जो निज घर है तेरा वो तो दूर रह गया, तू तो बाजारी में है ही अंधे रह गया, तो क्या करूँ भाई ऊपर इसके आगे चल तू। अब इसके ऊपर जब चलेगा वो तो ये बच्चे का जो तालवा है ना, योगी की बात करें योग साधन, क्योंकि आप सब बैठे हैं इसको जानना चाहें, तो ये इससे जो बच्चे का तालवा है यहाँ पर टिप टिप करता छोटे का, इस जगह इस अंध को छोड़ दिया ये प्रकाश को और उसके अंदर जंप कर जाता है, तो उसमें जाते वो ज़्यादा प्रकाश पर कोश को खत्म हो जाता है। मेरे गुरु तो हमेशा हर जगह प्रकाश शब्द प्रकाश शब्द को कहते हैं, क्यों दोनों प्राप्त होते हैं उनको, मेरा तो अनुभव आया नहीं भाई, वो ऐसा तो है था उनका और वाक्य करते हूँ महात्मा, मेरे निज अवस्था में सिर्फ शिवाय उसके शब्द बिना सारा जग अंधा काट्य कोण मोह का पंथ, शब्द सूर शब्द चंदा प्रकाश ही वो है, वो सब कुछ है, क्योंकि समझ में आगे नहीं है कि तो बोल रही है ये चीज़ है। तो उस प्रकाश के आगे जब जाएगा तो बच्चे का तालवा टिप टिप करता है, इसको अलख कहते हैं, अलख माने जो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, किसी ने राम का नाम कह दिया, किसी अल्लाह का नाम कह दिया, किसी ने ये कह दिया, किसी कुछ अपने भाषा में और श्री बोल दिया, वो गलत नहीं सब सही है जैसे अनुभव किया बता दिया, और उस जगह से वो सूरज जो है फिर वो आगे की तरफ उसको बताएगा कि ये आगे चल मंजिल में, तो अब यहाँ समता आ जाएगी उसमें और वो सत्संग अभी सत्संग की जरूरत सुन लो बात। अब कहते हैं दो चार किताब देता हूँ, किताब देखिए बाकी बच्चे विज्ञानी बढ़ गए वो सुन लिया नहीं, वो बात आ गई शुरू करी थी समझने के लिए, और वो नहीं फिर सत्संग जरूरी है सुन लो भी, बिन सत्संग विवेक न होई। अब यहाँ पर भी जो बार का गुरु है वो संस्कार देगा कि ये तेरा सफ़र है और ये शांति में करता रहे, वो आएगी इंटरनल यहाँ पर ये अलग पुरुष जो है उसके आगे जब चलेंगे ये अगम लोक यहाँ से क्षेत्र का अगम लोक इधर तक ये अलग है, तो क्या गए हद मैंने पता नहीं कुछ जगह से पर यहाँ पर है ये, तो ये जो चलते चलते सुरत अगम लोक जो है इसके अंदर समता रहेगी, ये साधन उसका क्या समता रहेगी बिल्कुल, और अलग अलग तरीका है, कोई तो इसके टाइमली देखता है साधन करता है चिंता देखता है, और किसी का खुल जाता है और किसी का हमेशा अनुभव करता रहता है, अलग अलग हालत एक हालत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बात समझ आ गई थी एक मामला नहीं है, अलग अलग बात है, तो मैं ये दावा करूँगा मैं वही करता हूँ यही है तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मार्ग अलग अलग हैं और आदमी की प्रकृति के अनुसार हैं, तो वो साधन करते 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 और जिस दिन वो जा करके चोटी के पास जाता तो हमेशा रोज ये प्राकृतिक तरीका मामला अलग है, तो जब इसके अंदर चला गया वो बेहोशी में चला गया कुछ नहीं बात अब खत्म खत्म, और फिर वो जो होश में आता है फिर उसको सत्संग देता है बाहर का गुरु, सत्संग देता है कि अब तू मंजिल पर पहुंच गया, मंजिल यही है, अंत समय तू इसको सुनते सुनते इसी प्रकाश का अनुभव करते राम नाम का करते करते आज निज नाम सतनाम सार शब्द पता नहीं कितने नाम रखे उसके, वो एक ही बात है, वो जैसे ही वो उसके अंदर गायब हो जाएगा अपने जब में भाई 10 मिनट 15 मिनट एक घंटा अनुभव हो गया और वो बताता गुरु जी ये है आदमी अभी तो बेवसी में चलेगा व्यवसायी बेहोश में आ गया, तो बताता तो वहीं चला गया जहाँ पर जाना था उस जगह पर मिल गया जो सबका स्वामी है जिसकी का तू अंश था, अभी तेरे प्रारब्ध कर्म है पीछे वो तेरे को भोगने, वो जो ले के आ रहे हैं बंदूक से गोली निकली वो कठिन वो तेरे को भोगना है, और जब तक वो लेना देना पूरा हो जाएगा तेरा उस दिन के बाद तू वापस नहीं आएगा, अब तो जीवित मुक्त अवस्था में उसके बताते क्यों नहीं तेरे को स्त्री का फिर मेरे बेटे का मोह है, न कोई धन का मोह है न कोई चीज़ का मोह है, तो जानता है सब यहाँ पर नहीं,
और सब कुछ काम करता है। और फिर अभी कलियुग को बता दिया कि तुम बच्चा चुका दो मतलब ड्रामा करो उनका चुकाओ, अब पूरा नहीं चुकेगा तो और जाएगा बेटा। कलियुग के संतों ने जैसे भागना नहीं बताया कि भाई भाग जाते थे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था उस वक्त, ये समझ नहीं थी। तो इसका जिसको अनुभव हो गया आखिरी, वो कहता है भागने का कोई फायदा नहीं, अब घर में ही रहो और पटाख ही रहो इनसे, आप जैसे कहें वैसे कर दो, टावर के बन जाओ। अच्छा ठीक है, अच्छे कहते हैं आपको होश नहीं, आप ऐसे करते बोले तो सियाणी है मेरे, कहाँ से होश आएगा देव, तो सियाणी मेरे को, मैं तो ऐसे ही दिमाग आजकल ऐसे ही हो गया कुछ, ये मतलब ड्रामा उसके साथ देखे थे। हाँ मामले गाड़ी ये रहनी है, ये मुक्त अवस्था है कि कोई चीज़ करूँ, कोई इच्छा करता है कि जो करेगा वो ठीक करेगा। अब इस अवस्था के आदमी के लिए है वो, करे करावे आप ही आप, मानस के नहीं कुछ हाथ है, पहले दर्जे के आदमी के लिए नहीं है वो, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ करोगे बस कुछ करो, वही तो करने वाला वही तो है। इस दर्जे पर पहुँच गया नहीं आपने, उसके लिए है जो आप बता रहे थे बात, वो जो कोई सवाल था ना उसका ये है कि उस जगह चला गया, उसको सत्संग मिल गया कि तू जिस दिन प्रारंभ कर्म करें तो इसी में चला जाएगा, बस तेरा घर ये, तो वो उस जीव एकदम मुक्त रहता है। जहाँ जाता हूँ जो मुक्त होता है, जो देखता सब ये नहीं सोता है, सब उसकी लीला है। कोई गाड़ी काटता है तो बोलो ड्रामा करे लड़ने का, कोई देखते रहो गाड़ियों में खड़ा है, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो गुना, समझे कि बात। तो अगर कामुकता भोगता तो उसके नहीं सारा ये से कर रहा है, कामुकता भोगता भी लीला है, हर चीज़ को उसकी लीला देखता, उसी में देखता है। सिया राम सब जग जानी, जब तक जीतता तब तक इस स्थिति में रहता है, इसको ना मुक्त है नहीं ये कि मेरी पत्नी होगी, कोई लड़का कहाँ चलेगा, बन गया घटा पड़ गया बाधा पड़ गया, वो भी कोई बात ही नहीं, कुछ सोचा साथ मेरे को जाना ही नहीं है। तो देखता अभी हाँ भाई ये कह देगा बहुत अच्छा होगा, तो कह देगा अच्छा मारो अपना जितना लाभ होगा ना आपका तो घटा देख लो, ये हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि मुक्त है वो, उसको वो बंद नहीं है, वो जानता मैं कुछ और हूँ ये कुछ और आए, पर उसको आखिर तक पटा के रखा गया, क्योंकि चला जाएगा तो घर में घर कहते सह लेता हूँ, तो कई बात है ये मैं सोता हूँ चलो वो दीदी मिठा तो आती आती हूँ खंगार फिर भागती है देते देती है, और मैं सोता हूँ इसको कह देगा तो ये आएगी नहीं कपाल बिल्कुल समझा कि इसके साथ आए तो इसके साथ बात हुई, ये जान की बुझ के अनजान बने, ये जीवित मुक्त अवस्था की हालत है। और नाम वहाँ मिल गया, उसको पता लग गया क्या चीज़ है कि मैं एक बुलबुला हूँ, जैसे समुद्र का बुलबुला होता है ना, और वो तिरता है थोड़ी देर पट उसी मिल जाता है, तो कहते वो बुलबुला टूटेगा जब मैं एक बुलबुला हूँ, पानी के अंदर एक बुलबुले की तरह तिरता हूँ, मेरी जिंदगी कुछ नहीं, वो उसकी कृपा पर इस स्थिति में जो रहता है वो जीवित मुक्त अवस्था है। अब यह स्तुति बयान से तुम्हें बता दी, अब इसको रहनी भी लाड़ी की बात है, अब मैं बयान से बता दी तो मैं बयान से वो ही आदमी बताएगा जो अनुभवी है, नहीं बताएगा नहीं, वो इतनी बात सूक्ष्म को गौर नहीं करेगा। तो वो जो अवस्था है उसका नाम, वहाँ नाम मिल गया आपको, नाम का मतलब अपने आप का पता लग गया या बोलने वाली क्या है, और सब ये खैरी इसी का, अपने आप का पता लग गया पहचान ले अपने को, तो इंसान खुदा है, देखने में वो खाख लेकिन खाख नहीं है, तो ये पहचानने का नाम यहाँ पर चौथा पद है। और इधर नाम मिला तो सब मिला नाम है सबका सार, जो कोई सुन रहे नाम नित व्यापन संसार, संसार में क्या हो रहा है, ये हो रहा मरे जी क्या हो रहा, जो ध्यान ही करे अंग्रेज क्या करिए वो तो बुशी का खेल है सब, उसमें वो है उसमें वो लड़े लड़ने का ड्रामा कर रही, कलयुग है जो कलयुग के अंदर तहजीब खोदी है और सबकी बुद्धि जो व्यस्त होगी फलाना, और वेद को जानता है कि क्यों खोदी है, क्योंकि वो उधर पूछा है उसे ब्रह्मचारी की शक्ति को ज़्यादा खो दिया, इसलिए गुस्सा आता लड़ते लड़ते समता नहीं, पहले ये आदमी बड़े आदमी होता था। तो ये चौथा पद हो गया। अब इसके बताया अधिकारी कौन इसका, इस नाव का अधिकारी कौन है, अभी हम सब जाते नाव ले लेते हैं, नाव ले लिया जी मेरा नाम लिया 10 साल हो गए, नाम 20 नाम नाम लिया वो समझा राम नाम यही है हर चीज़ है या, तो नाम ले लिया तो वो समझते तो उसका अधिकारी बताया है कि ऐसे नहीं होता, विषयन से जो हो उदासा, अब तो कर रहे थे ना कहीं पड़ी कंडीशन में फैल रहे सब, विषयन से जो हो उदास, विषय का मतलब ये कामुकता ही नहीं है, ये स्वाद की चीज़ है ना, जो इसी समझ की बात है, नाच है गाना है स्वाद आता देख करके, तो उसके लिए विषयन से जो हो उदास है, परमार्थ की जा मनासा, परमार्थ जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, इस बात को धन संतान प्रीत नहीं जाग, धन संतान होना चाहिए, अगर नहीं है तो भूखा क्या करेगा, वो होना चाहिए लेकिन उसको प्रीत नहीं कि उसने दिया हुआ है, वो अपना समझता ही नहीं, तन मन धन गुरु को अर्पण, तो ये तन उसका है, कुछ बात कोशिश करो ठीक रखने की, अगर बीमार हो गए तो दवाई दो, ये बात इसको ठीक रखना आपका काम है ना, आपका काम है साफ सुथरे रहो, नहीं बदबू आइए, इसको अच्छा रखो संभाल के,
तन मन धन उसकी चीज ध्रो रह दिया है तो उसको संभाल के रखो, यानी कि उसकी चीज़ की लापरवाही करो। हम करते हैं ना दूसरी चीज़ की लापरवाही करते हैं, आप चीज़ को गौर से देखते आइए समझ बात। तो अपना बढ़िया वो उसको उसका दिया हुआ है, तो जिसे समझता मेरा तन उसका है ठीक तरीके रखो, इसको साफ सुथरा अच्छा रहो, अच्छी जो इंसान रहते हैं बेचे रहो। और धन क्या है जितना जो कुछ है वो उसने दिया है, अब दो मिनट में ख़त्म भी कर देगा और मैं चले जाऊँगा तो इधर ही जाएगा उसका है। और ये मन जो उसी को लगाऊँ मैं उसकी तरफ इधर क्यों लगाऊँ जो उसने बता रहा है, क्या उधर रखूँ सारे दिन, अब रहता है नहीं क्यों दुनियादारी उड़ जड़ा है। तो ये तन मन धन अर्पण करता है वो फिर इसमें आता है। तो नाम का अधिकारी कौन, विशेष से जो होदासा परमार्थ के जामनासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, धन और संतान सब कुछ होना चाहिए। प्रीत का मतलब अटैचमेंट नहीं है कि मेरे साथ जाएंगे कल हवा निकल जाएगी उड़ ले जाएंगे सब। बैराग रहे मिठा बैराग है, घर छोड़ के भागने से कुछ परेशानी हो जाएगी, ये पहले बेचारे भाग जाते थे अज्ञान था उनको, अब यह कलयुग के अंदर कलयुग का संतुलन क्लियर कर दिया कि धन संतान होना चाहिए। और वो गीता में कहता भगवान अर्जुन जो आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ तेरे को ये राज ऋषि जाने है, ये अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूँ तेरे को ये राज ऋषि जाने है, अवश्य अंदाजा लगा ले कुल कि जिन्हें राज भोग दिया सब कुछ। और वो फिर लड़के को देख चले वो उनका है, ये जो खा पी लिया दुनिया में कोई चारम नहीं है कि मैं यह चीज़ करूँ या जाऊँ कि ये करूँ वो करूँ, हम उड़ जाए 20 चीज़ों के मरते दम तो और चीज़ों से अटैचमेंट है हमारा, तो उसके मन से अटैचमेंट खत्म है, समझे कि नहीं, जरूरत के मुताबिक काम करता है हो गया ठीक है बहुत अच्छा। तो ये जो आखिरी अवस्था में चले जाता है उसको नाम मिल जाता है, और वो नाम मिलेगी किसको, ये कंडीशन है धन संतान परित नहीं जाके, जगत पदार्थ था नहीं ताकि हम एक ही चीज़ से या चीज़ मेरे पास होनी चाहिए या चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए लेकिन ये नहीं कि जगत पदार्थ था नहीं ताकि, यानी उसकी तरफ नहीं छूता, तन इंद्रिय आसक्त नहीं हुई, तन और इंद्रिय किसी तरफ आसक्त नहीं रहती, नहीं नींद भूख बेचनी रहती है कि ये जाऊँगी सर उठा तो वही ख्याल जागता तो वही ख्याल, तो तन इंद्रिय आसक्त नहीं हुई, नींद भूख आ रही थी लगन लगी, जिसको लगन लगती है नींद आती है, तो इसके बगैर जिसको नींद आती है बेचनी है ये जानना है, उठे तो ये जानना है। मैं आपको कहता हूँ सो उठे तो खुशी से उठो, शाम को सोते खुशी से सो, वो उमंग रखो उसकी, उसकी उमंग से आती है एक दिन की बात है। हाँ चल पड़े पूछोगे, जो चल पड़ा इस तरफ से वो पूछेगा आज कल परसों पूछेगा। हम उधर से चले थे ना फतेहाबाद से, तो हमने उधर से आया बीच में एक अड्डा था उधर एक करके, फिर हम इधर पूछ गए जहाँ जाके दौरा बना रखा वहाँ पूछेंगे, तो आपने ये दौरा बना लिया कि सदा के लिए मुक्त हूँ तो आप जरूर जाएंगे पूछेंगे वहाँ। तो नींद आज करते हुए नींद भूख हाड़ सिर खोई बिरे बाढ़ दी नींद आ गया, अब ऐसे कौन करेगा जिसको बिरे है कि दुनिया तो ऐसी है। और ये सत्संग की भैयारी है, सत्संग से अगर अच्छा मत था तो समझ आ जाती है, तो ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, राख रमाने की घर छोड़ने की वो करने की पाखंडने की जरूरत नहीं है। अब पहले ज्ञान नहीं था कि अच्छे लगेंगे तो मोह करेगी दुनिया, तो राख रमा लो ये कर लो, अब कहो ठीक अच्छे अच्छे बने रहेंगे अट्रैक्ट में, तो अच्छे तो चाहना चाहिए आप अच्छा लगना चाहिए। और वो पर यार ये तरीका अच्छे लगते तो पीछे लिपट जाते हैं, कोई औरत वगैरह प्यार करने लग जाती तो राख रमा के शक्ल बना बिगाड़ दो, अब तक ज्ञान नहीं था उनको, अब कलयुग में ज्ञान हो गया इसका। तो तंद्री आस करते हैं नीनी बुखार से कोई बिरे बाण बिरे जब हो जाएगा कि ये दुनिया में नहीं तो कोई रह नहीं रहेगा, वैराग तभी चलेगा, इसको वैराग ही नहीं हो किसका ज्ञान, मतलब वैराग तो हमको है नहीं, हमको टेंशन से इधर है और हम आगे तो क्या करेंगे, बेकार नहीं है ये पूछ ये संस्कार जो लेते जाएंगे ये संस्कार डेवलप होंगे, इस जन्म बाद जन्म जाएगा ऐसी जगह जाएगा जहाँ वही काम मिलेगा, फिर मंदिर पर पूछ के रहोगे आइए इस बात की सिद्धांत है कि जिस जगह जिस चाह करिए उधर राह है रास्ता है, डिमांड वहाँ पूर्ति होगी सिद्धांत। तो ये नाम बता रहे हो नाम का अधिकारी कौन है, अब ये कहते वो बिरे बाण जी नहीं बिरे के बगैर बुझाएगा नहीं, जिसको इधर से मोह नहीं टूटेगा बुझाएगा नहीं आगे बिरे लगे परे परे भाग जाते मिठा हो। अब इस कलयुग का संत बताते मंदिर हो जताओ मित्र तू नाम, कोई जरूरत में न पूछे बताओ क्या बताओगे उसको, हम चाहते बताना सुख जब हमको मिल गई वो आप सत्संग जाओ और ये करो और अढ़ाई घंटा बैठे हो तुझे अढ़ाई घंटा बैठे हो तुझे आवाज पे व्यास का सत्संग कोई भी हो हमारे पास बहुत अच्छा वो प्रोफेसर साहब है तो सी अढ़ाई घंटे बैठते हो कि वो ढाई घंटा सुना हो बैठ जाता है और सेवा बता रहे कि सेवा करो सेवा खो रहा है वो तो बेकार नहीं जा रहा वो तब मतलब ये टाइम आएगी उसकी अगली जगह पहुँचेगा ये नहीं कि धीरे जाएगा अगे। तो नाम की मैं आपको परिभाषा बता दी कि नाम क्या है, नाम रहे चौथे पद भाई चौथा पद बता दिया हमने क्या, और उसके साथ ये बता सत्संग जरूरी है
अगर चौथा पद मिल गया और सत्संग नहीं मिला तो फिर वो ऐसे होता रहेगा, उसको पता नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसने नाम नहीं सुना तो करोड़ों रुपये लाखों रुपये की चीज़ है, तो देखेगा कई देर तक अच्छा लगेगा चमकीला फिर फेंक देगा। उसको हीरा बताया है कि ये हीरा है, जब आप ऊपर जाओ तो उसको समझाएगा कि क्या हो गया, तो भी कहाँ पहुँच गया और क्या ये कहीं बीच बीच के अंदर तो वापस आता रहा घोष में तो आना नहीं चाहेगा, आता रहता क्यों क्यों होगा। तो आपको समझ चाहिए कि मेरा प्रारब्ध कर्म है, भोगने के लिए आता हूँ और मेरे देश को नाम तकलीफ है तो मुझे आना ही चाहिए। और कहीं आता है ख्याल, कहीं आता है यार क्या करेगा, चले जाता नहीं क्या चीज़ को बात, जिसे कराना तो करा देगा। अब उसकी सलाह देता हूँ कि वो करे कराओ आप ही आप, जब अपनी चक्कर ख़त्म करता हूँ बोलता हूँ जैसे कराने तो करा देगा कोई बात नहीं। और गिर जाए धक्का मर जाए तो इधर मर जाए और उधर मर जाए, कहीं से आप मिट्टी का क्या है, यहाँ पड़ेगी कहीं और पड़ेगी क्या बात कर पड़े, अगर कोई होगा तो पूछा दे घर पूछा दे, समझे नहीं। अब इसका क्या है उसके हवाले कर देना और ये तब करेगा तो बाहर का सत्संग मिल जाता है। तो आपको समझिए बस सत्संग और साधन दोनों बराबर है। जिसको सत्संग नहीं मिलता आपने बुक दे दी बहुत अच्छा ख्याल दे दिया उसको, अब बुक लेके खुश हो गया ज्ञान मिल गया, वैसे जाने की नहीं नहीं वो नहीं होगा। सत्संग सुनता रहे, सत्संग सुनता रहे और आगे मंजिल का मंजिल तय करता रहे, और मंजिल तय करने के लिए जाकर उसको छोड़ने की कुछ जरूरत को नहीं। इस सुन जी काम करने के लिए वो ड्रामे में काम करते रहो, सब सुन का काम। तो ज़्यादा नहीं बोल के आपको आज भेद बताया है कि वो क्या है नाव, नाव वो है जो आप ईश्वर तत्व बोल रहे हैं आपके अंदर काम कराता रहे, यानी अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है सी, पर इससे नाव आपसे थोड़ा सा अलग हो गया अलग जैसे तो वो और काम नहीं करेगा। ये इस आंगली के यहाँ नहीं आता उसका सर या सुननी होगी, समझिए कि बात सब काम उसका है। वो जब तक नाम है तो सब कुछ करता है, कल फिर भी बैठे बुद्धि सब कुछ, तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या चंद्रवन तुम्हें हो, तुम्हें सर्व मम देव देवा, ये सब कुछ उसका काम। और उसका कोई रूप नहीं कोई शक्ल नहीं। अब जो कोई अब ध्यान करता कल को आदमी बोल रहे थे ना आप यथोपिया कहाँ से था, वो कहाँ से थे, थाईलैंड से, थाईलैंड से बोल रहे थे, बोले जी वो ध्यान करने के लिए ये कि मैं तो आपका ध्यान करता हूँ, मेरे को आप अच्छे लगते हैं। मैं बोले जिसका ध्यान करते हो वो कोई भी हो वो ध्यान करो, छोड़ो मत, अगर है बनता तो छोड़ना मत उसको, उसी का करो। सत्संग मेरा सुन लेना, सत्संग ये मेरी किताब रही है, इंटरनेट पर मेरे को देखते रहना, सत्संग मेरा सुनते रहना, और भाई ध्यान जो करते हो उसी को मानते रहो पूरा। मन टिका रहा है क्या, मैं क्यों तोड़ा हूँ, वेदी हूँ बात का कि उसका मन टिका हुआ एक जगह है और ध्यान का मतलब मन टेकने का है, तो उससे छुटा के इधर क्यों लगाऊँ, मेरी क्या गर्द है, मैं तो गर्दलेस आदमी हूँ, मेरी बुला जाने जी वो कह रहे तो ठीक है मत करो, सच्चाई बता दी कब जरूरत है उसको नहीं। तो बोले जी आपका करे वो मुझे, मैं नहीं कहता किसका करो, पर एक का करोगे और वो जो करो कोई बात नहीं, सत्संग साथ साथ वही मेरा जी किताब ये है। अब बताता हूँ मेरी किताब और मेरे सत्संग सुनते रहना, अब अजूद की नहीं बताता हूँ, अगर मेरा बेजूद की होते मेरे दायरे में रहता हुआ, समझेगा ना बात, मैं दायरे में रहता उसको भेद बता दिया, शांति मिल गई उसको। तो आज आपका नाम का पता चल गया, नाम 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 सब कहते, नाम की हवाई नहीं लगी उसको, और नाम दे दिया खरे अनुभव भी करता है किसी जगह पर एक जगह उसकी बैठा है आगे उठाएगा कौन। सत्संग सत्संग साधन दोनों, केवल मन को ठहराने की बात है, हमारा मन जो है चंचल है निश्चल है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं इस जन्म में या हमारे में या माँ बाप को कमी रही है ब्रह्मचर्य की, तो वह ब्रह्मचर्य की कमी जो है वो जाती स्थिरता जो बेचन जाती है टिकाव नहीं जाती, उसको टिकाव करने के लिए एक जगह उसको बांधना ईश बनाना और उसी उसके ऊपर एक जगह ले आना, और जब तक आगे का रास्ता नहीं खुला है जब तक तब तक उसको पूरा रखो। कोई बात नहीं कि इसे जब से मैं बता दिया कि आप तुम बढ़ाते हो सब बात तो बता दी मैंने, तो ये छोड़ो मत उसको, ये छोड़ दोगे धोबी का कुत्ता घर का नहीं काट का। कई आदमी ऐसे देखे मेरे सब अनुभव आए हैं जो मासूम में चले गए बिना बिना ज्ञान के आ गए सत्संग, अब उनको कोई निकाल दिया नहीं, और मासूम एक ऐसी जगह का पूछा कहीं जलम पड़े रहे वैसे उसी के अंदर जाता है सुरत उसी निकल फिर उसी जाए उसका। हाँ मासूम को निकालने का टेक्निक करीबन निकाला क्योंकि इष्ट छूट गया उसका। अगर आपका कोई इष्ट नहीं है तो चाहे वो आप कुछ भी करो पहले बेस है इष्ट के गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, किसी को इष्ट बना करके पूर्ण बना करके उसका ध्यान करो। अब वो कहते नाम तो जरूरी नहीं है उसी से नाम मिले साथ मूर्ति का ध्यान करो मूर्ति प्रकट होती है, तो फिर जिंदा जागता जो है वो आपको छुटाएगा, मूर्ति नहीं कुछ बोलेगी नहीं मूर्ति तो वही बात बोलेगी आपके मन में।
तो उसको करेंगे, कोई जिंदा होगा उसका मन साफ हो जाएगा, हेरा फेरी झूठ कपट खाली हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो अपना आप सब काम होता रहे। ठीक है ना, ये मन को पवित्र करने के लिए ध्यान को एकाग्रता करते हैं तो मन के जो विचार दबे हुए हैं ना सब कंसर मंड में बुरे करके बाहर आ जाए, समझे कि नहीं, वो जो हेरा फेरी झूठ कपट है वो सब बाहर निकल जाए। आपको बता दिया गया रहते हो तो ध्यान नहीं कर सकोगे, हेरा फेरी जो है तो कभी पूछ नहीं सकते। कई अपन फिर से कहते बोले उसका तो बात भी नहीं पूछ सकता, तो क्या सतलोक तो बात सुनते रहो, हवाई नहीं लगती, मुझे इकट्ठा नहीं होगा, वो सीधे कहते थे। तो वो जो नहीं हेरा फेरी नहीं पूछा तो वो तो हेरा फेरी को दूर करने के लिए सत्संग सुनो और उसका साधन करो, मन को ठहराओ। और नाव का तरीका बता दिया, कहीं भी नहीं है वो आपके अंदर, सब खेल उसका है, आप ईश्वरंश है। वो ईश्वरीय जो शक्ति है, अब न तो उसका ऑर्गन है कोई, न उसकी कोई शकल है, न कोई उसका उदाहरण है, यहाँ पर अनामी है वो, तो वो अनामी है परमात्मा, परमात्मा का गुण है वो, और वो चीज़ आपके अंदर काम करती है। तो आज आपको नाम की बात पहले भी बताया होगा सत्संग में, आपको बता दिया कि नाम आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं, और वो ही काम करा रहा है सब। और ये अगर कब मिले बिरे बांध दिन हृदय ला गया, जब तक तो दुनिया से अटैचमेंट में स्वाद दो, मगर छोड़ना क्यों है, खिलाड़ी खेल रहा है तो फिर खूब मारो टोले, खूब तो थक जाओ ना तब घर की तरफ चालो, समझे ना। ये दुनिया में स्वाद आओ तो स्वाद दो खूब, एक धर्म दो धर्म पाँच खूब इससे ज़्यादा रहो, विचारों को सुंदर रखो, अच्छा से मिल जाएगा, जो सोचोगे वही चीज़ हो जाएगी, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान इच्छा रखते हो, कोई चीज़ कमी है तो श्री छोड़ने वाले वो विचार उधर ले जाएंगे, विचारों के दायरे में नहीं है सूरत, तो उसकी तरफ झुका जाएंगे, वैसी माँ जो होगी उसके चले जाओ, पेट साधन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वहीं से साधन हो जाएगा उसको, और कोई तकलीफ आगे आप आराम मिलता है, आई समझ क्लियर है, कोई शंका प्रश्न पूछो बीच में। ये महाराज जी नाम मिल गए इसका कंफर्मेशन क्या है? है नाम मिल गया किसी को तो वो किस बात से पक्का हो गया कि नाम मिल गया? नाम ये मिल गया उस मंदिर पर चला गया, आखिरी टाइम पर जाके चौथे मंदिर पर पूछ गया, तो फिर मुक्त हो गया, वो जीते मुक्त है, मुक्त के कोई सिंह पूछ नहीं, उसको जो संसार में हो रहा है वो सब उसकी लीला है, उस पर प्रभाव नहीं होगा, उस पर नहीं तो उसको डर लगेगा कम वक्त को, न मौत का डर लगेगा, न कोई इज्जत की बार है, न कोई पैसे की, मतलब वो कम वक्त पैसे हो गया जिसका कुछ भी इच्छा ही नहीं, इच्छा की मुझको चाह नहीं, इच्छा को चाह में डाल दे, जिनको कुछ होना चाहिए वो ईशान साह, ये नहीं कि मेरे को ये नाम का मतलब है कि आप बेफिक्र होगे, ये जो काम करोगे साधारण और साधारण आदमी की तरह रहोगे, सांग नहीं बनाओगे कोई भी, न गुरु का बनाओगे, न महात्मा बनाओगे, न कुछ और बनाओगे, वो लोग बनाएंगे तो उसकी मर्जी है, वो नहीं बनाओगे, बेफिक्र हो जाओगे, चिंता भय गम ईर्षा द्वेष वगैरह कुछ नहीं, और वो समस्थिति में रहता है, इसका नाम वीतराग है, न तो राग है उसको, न को प्रेम, न को द्वेष, समझे कि बात, वीतराग से अलग है, और वो मतलब मनुष्य के अंदर वो परमात्मा ही समझो आप, अब ये समझे क्यों परमात्मा उसके अंदर पहले है, पहले जाना नहीं, अब उसको परमात्मा का भेद पता चल गया तो उसकी तरफ से कोई बुरा किसी का हो नहीं सकता, और वो आदमी ऐसे हुए राजजनक राज करते हुए गद्दी पर थे, कबीर बहुत भेजा करते हुए थे, राजदास जूते गांठते हुए थे, तो इसकी कोई क्वालिफिकेशन है कि वो बेफिक्र है, और उसके अंदर एक खुशबू आती है, खुशबू का मतलब वो जो बात करता है प्यारा लगता अच्छा लगता है, किनको जो इसका तरफ उसका गायक है उसको उसको तरफ लगता है। अब बताया करता हूँ मुझे और भी पढ़ी है, पहले सावित्री पहली भाजी भाजी गाँव के लिए सब कुछ कर डाल भी कहे आप करो मेरा सारा काम करो सो आप करो सो, एक अभी बताया नहीं रामा स्वामी अभी अभी हाजिर है, अब थोड़ी देर घटना अभी है, अभी कहती है महाराज मैं आ जाऊँगी उधर तो सत्र का रहा हूँ तेरे से जाऊँगा, जो दिन मैं सत्र कराऊँगा तो तेरे पाठ ठहरूँगा, और पर जाके कराया बात थोड़ी शांत करिए उसको, पक्का मैं जरूरी रहूँगी आपके पास होंगी, उसका आदमी साथ तो तू घर है तेरे बच्चे मरा रखे दुनिया रखा है बावड़ी हो रही है, तो बाहर का गुरुदेव वो अल्पल संवारता है, वो उसको संवार के ठीक करता है, उसको ज्ञान देख करके पागलपन को छुड़ा के आगे पहुँचाते हैं, अंदर टिका देता है, मगाता नहीं आपने आश्रम नहीं बुलाता हूँ, ये करो वो करो ये करो वो करो, पहले दस जम ठीक था आश्रम की गुरुआज थी और अभी भी वही है, बड़े वो जो आश्रम चलाते हैं वो इसकी तरफ वाकिफ नहीं, उनकी लगन है कि आश्रम बन जा, उनकी लगन है मेरे बहुत चेले हो जा, और वो जाता है इच्छा का लोग है सब, और सत्य मन से जो गया है उसको वहाँ तक तो सीख, अगर उसके परमात्मा अपना वहाँ से उखाड़ के किसी जगह लगा देगा, जिसका मन साफ है हेरा फेरी नहीं है वो तो परमात्मा तो अंदर ही तो है अंश रूप में, तो वो उस तरफ ले जाएगा फिर अपना, जैसी नीत है ना उसके मुताबिक जाएगा कोई डरने की बात, तो नाव की पहचान ये है कि वो आदमी करोड़ों में से अलग है, कोटन में कोई एक जय नारायण चित्त
जो इसको हमेशा गुरुदान देखकर कोटिन में जिसको नारायण चित्त है तो मुक्त है, करोड़ों में से एक दो आदमी है, सब नहीं, करोड़ों आदमी है उनमें अलग ईद का चांद है और उसकी पहचान नहीं, पहचान जताता ही नहीं, पर तो उस बात समझे आज कल उस बात क्यों समझती हूँ लेता धार्मिक और वो आप हो सकते, हर आदमी को ये अधिकार है क्योंकि जहाँ से आया वहाँ जा सकता है, अगर इधर वैराग हो जाए बात समझ आ जाए तो वह कहाँ से आएगी, बिन सत्संग विवेक न हो ही राम के पालन से, तो ये सत्संग मुख्य चीज़ है, सत्संग देने वाला कहे और करने वाला दोनों बराबर चाहिए, तो गुरु गुरु कौन है, गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे वो गुरु पूरा उन तन की बन जा दूरा, शब्द भेद तुम देख रहे हो कि शब्द कमाओ तो तन में से समझेगी बात, तो गुरु आई वो है अलग अलग चीज़, चेला कौन है, चेला की क्वालिफिकेशन पहले बता दिया आप, चेला तो चित्त में रहे गुरु चित्त के आकाश अपने में दोनों लगे वही गुरु का दान, और प्रश्न करो कोई जो पूछना पूछो अभी टाइम है खड़ी, आप जैसे ये कह रहे जिन जिसको नाम मिला कोई अटैचमेंट नहीं विरह बांध लग गया उसको, फिर कोई एक इच्छा जो आके बुला देती है वो जरूरी है, वो काम होना है, उसके लिए आप दुखी मत हो, वो काम आपने करना है, किसी को तो ज्ञान से समझ आएगी और टिक जा वो, और ये नहीं ज्ञान से आए तो भोग के कर लेता है, वो गुरु का काम बाहर के का है कि वो ये नहीं कहेगा उसको मत करो, वो आगे उसको बोलो कि ये ज्ञान हो गया आपकी सत्संग से कि ये ठीक नहीं है, संसार तो जाएगा नहीं साथ में, ये उस रास्ते में रुकावट है, हाँ, तो उसका वो है क्योंकि पहले अटैचमेंट है, जन्म जन्मांतरों का मामला है, आएगा विचार उसके पीछे में द्वारा आएगा, काट दो उसको, कोशिश करो काट दो, एक बार नहीं कटा दूसरा कटे फिर समझ आ जाएगी क्यों क्या मतलब है, यानी वो जो विचार आता है वो तो आएगा, विचार हमारी ज़िंदगी है, आखिर तक है ये उन मूल दो मतलब, ये सकल जीती उन मूल दो मतलब, यानी दुनिया तो रहेगी ऐसे दुनिया मुड़ जो मतलब, उस समय सुमिरन ध्यान करें जी उसको काटे कैसे, वो अलग अलग तरीका है सुमिरन ध्यान का, देखो लोग देखो लोग तो सुमिरन बताते हैं, संत तो सुमिरन बताते हैं कि सुमिरन करते रहो चलते फिरते, अभी मैंने कराया तो है नहीं, देखो सच्ची बात है मैं तो मेरी रहनी बता रहा हूँ आपको कि मैंने कुछ कराया ही नहीं, करने की जरूरत समझ की जरूरत है, सुमिरन ध्यान मन को रोकने की बात है, तो एक तो समझ से रोक लो और एक भाई राम 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 करते वो करे फिर सुमिरन रहेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, एक दिन शुरू कर दो दिमाग में बैठ ही नहीं बात फिर वो निकलती नहीं चलते फिरते रहेगी, और वो नाम कुछ वो साथ रहता है वो हर वक्त रहता है, तो मैं हर वक्त क्या उसमें तो नहीं जब नीचे आता हूँ काम ये नीचे काम कर रहा हूँ सबका सब ये नहीं काम नहीं करूँगा, सत्संग की मंजर तो ये है कि फिर किसका काम किसका नहीं डर देना, तो क्योंकि मेरे प्रारब्ध कर्म में काम करता हूँ ज्ञान है मुझे अफसोस नहीं समझे ना बात, इसको कुछ करो काटेंगे फिर आपने जागरूकता आ जाएगी, अब तो देर में आती है और फिर बाद में आने से पहले कि क्या मिलेगा क्या, वो अपने आप ही आपको जवाब मिलेगा तब होगा, दूसरा तो संस्कार से संस्कार दे दिया है, अब ये संस्कार जब आपको घर कर जाएंगे उसे आप रोक दिए संस्कार दे दिया और आपको आएगी, जब ये बात बता दी तो करने के बाद पछताओगे ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो छोड़ दोगे विवेक कहते हैं उसको, अपने आप ही अंदर से ज्ञान और छोड़ दोगे मम्मी, अब तो आपकी ज्ञान में खुद रहे हो हमेशा, तो मुझे इतना ज़्यादा मन से कोई तकलीफ रही नहीं है, पर अभी भी होता है कोई ऐसे विचार आते हैं फिर मैं सोचता हूँ अच्छा महात्मा जी बड़े भाषण करते हो अरे कहाँ जा रहा है, अपने आप अंदर से बात को काट देता हूँ, कहीं जब भूल जाता हूँ तो नाव का ख्याल नहीं रहता उस वक्त, उस चीज़ की तरफ बाहर की तरफ तवज्जा करता हूँ तो उसका ख्याल छूट जाता है और छूट जाता है, फिर बाद में उसको कोई विचार आता है ऐसा नहीं है, और फट उसी अंदर से जवाब आती है कि अच्छा आप में यहाँ फजियत लोगों नसीहत अंदर से, अब आसमान आप तो फिजियत तो ये कर रहे लोगों को कहते हैं महात्मा क्या बावड़े हो रहे फिर धनमित्रा को धनमित्रा को व्यास का गुरु था धनमित्रा को भी नहीं पूछा तू धन नहीं रखा तो कितने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है तू, ये क्यों कहता है यह कहे कि खूब कमाओ धन और धन से थक जाओ तो जाना तू खुद कर बैठा प्रैक्टिकल आप तुम यहाँ फजियत पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी यहाँ बैठे और वो कहते क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए एक दिन चले जाना है ये लोगों को बरात, तो यह आप में यहाँ फजियत लोगों को नसीहत, क्योंकि मेरे जैसे आदमी जानता है ना उनको कि तू और कहता क्या तो है क्या तेरे पास तू जितना धन जो देगा उतना नहीं ले रहा तू प्रॉपर्टी तू लेता जा तू लेता और पूरी दुनिया के अंदर जितना तेरे इकट्ठा करा कहता किसी ने कर नहीं रखा और जब चेतना आएगी और चेतनता आएगी सरकार के अंदर कोई ऐसा आदमी आएगा उसने बोलेगा निकालो ये प्रॉपर्टी पब्लिक के पब्लिक प्रॉपर्टी होगी आपका कोई निकाल सत्संग देना जाया करो कहते बस, अब याद कर फ्रीचर बना रखे ना ये कोई समा गया फ्रीचर बन जाएंगे खुद ही क्या आगे भाषण दे जाना चले जाना मेरे देने से कोई ताल्लुक नहीं होगा समझिए बात, नाम का मतलब यह है टू नो वन सेल्फ इज नो ऑल एवरीथिंग, अपने आप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया ये नाम का दर्जा है और ये योग से जाना जाएगा
एक तो अक्ल से होता है ना, वो अक्ल भूल जाओगे कभी, और योग से अनुभव कर लोगे, सारे दिन दुरुस्ती है। सूरत समुद्र अनुभव रूपा तो पड़ा भरम चकूपा, वो उसका अनुभव कर लो और फिर बहुत काम करते रहो, मन टिका लो, ठीक है। नहीं दुरुस्ती है सारे दिन अलमस्त हो, फिर वो ग्राम पकड़ थोड़े गृहस्थी सब ठरमा करो, घराड़ा भी करो, ये भी करो, वो भी करो, काम भी करो, कर अपने तरीके से, अस्थि के मुताबिक करो, समझे ना बात। तो अपनी अस्थि से खर्च करें, अस्थि के मुताबिक रहे, और उसी अस्थि में रहे, अगर थोड़ी कमाई तो थोड़े तरीके से खा ले, बिल्कुल थोड़ी खिचड़ी बनाओ, एक टाइम पर अपनी खिचड़ी खा लो, कड्डी बना लो, और कुछ खा लो, अच्छा तो अच्छा संग माल बना लो, समझे ना बात। अस्थि के मुताबिक रहे, तो फकीरी के मतलब नहीं है कि कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ होते हुए राजे महाराजे हुए, और कुछ नहीं रखते भी हुए फकीर से कबीर जैसे, चार अना का सूत ला करके उसको चार करके बन के और रुपये में बेचाना, चार अना दान में करना, ये करना, इतना घर चलाना, ये करना, वो भी है, वो फकीर हुए हैं। चट्टाल मालो धन को दमड़ी रख कफन को, जिसने दिया तन को वही देगा, ये सूफी साफी बातें ना, वो होते हैं। पर वो ज़माना और था, अब ज़माना और है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो आज का सत्संग नाम की बात बताइए मैंने, नाम आपके अंदर है, कहीं बात नहीं है, और वो रहे नाम रहता है, अगर जानना चाहते तो चौथे पद में, और मेरी बात पर यकीन आ गया तो वो सरदर्द की बात नहीं, पर अनुभव के बिना वो ठहरता नहीं। क्यों बताओगे क्या, दूसरा पूछेगा तो अनुभव तो बता देगा, इधर आ जाइए, इधर जाइए, चार स्टेजेस हैं, चारों स्टेज का अनुभव कर लो बस, ठीक है। चारों आश्रम का अनुभव कर लिया, जो कोई गृहस्थी आया उसको भी बता दिया, और वो दूसरा है उसको बता दिया, सन्यासी आया उसको बता दिया, सबका गुरु है, समझे कि नहीं। सन्यास अवस्था जो है ये साई है ना, ये अनुभव की, और जिसे अनुभव नहीं किया वो क्या बताएगा। और प्रसंग है तो प्रसंग करो भी।